राजधानी रे ओडिशा ऑर्गेनिक्स 2024 कॉन्क्लेव ओडिशा रे जैविक कृषि रो संभावना उपरे गुरुत्व जलवायु भित्तिक कृषि को प्रोत्साहित करिवार लक्ष्य ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य एवं यहार चासी माने विशेष करी जलवायु भित्तिक कृषि उपरे निर्भरशील एही जलवायु भित्तिक कृषि को प्रोत्साहित करिवा पई भुवनेश्वर रे आयोजित हो जाईछि ओडिशा ऑर्गेनिक्स 2024 शीर्षक दिनिकिया कनक्लेव ओडिशा रे जैविक चासर संभावना एवं एथिप्रति थिबा आह्वान गुड़िक संपर्क रे आलोचना करी गाँ मानक रे जैविक कृषि को व्याप्त करिबा एही कनक्लेव रो मुख्य उद्देश्य एही कनक्लेव रे राज्यर विभिन्न स्थानरु चासी व्यवसायी एवं सर्वेक्षणकारी माने जोग देथिले जैविक कृषि रो संभावना को चिन्हट परीक्षण एवं उपयोग करिबा को उद्यम करिबा संबंध रे एथिरे आलोचना होइथिला। तो ऐसे प्लेटफॉर्म एक मौका देते हैं किसानों को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने में, जहाँ पे फार्मर्स आ सकते हैं और वो इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, क्या ट्रेंड है और उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से नए आइडियाज़ हैं जिन पे वो काम कर सकते हैं जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, उनकी रीच बढ़े। जैसे आज यदि आप यहाँ देखें तो FPOs जो है एक यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, उन FPO को यदि हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें तो इंडस्ट्री जो प्रोसेसिंग में है, जो कंज्यूमर को सीधे डिलीवर करते हैं, यदि FPOs उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो एक अच्छी सप्लाई चेन डेवलप हो सकती है। तो ऐसे सारे आइडियाज़ हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि ओडिशा एक हब बन रहा है जहाँ पे नया टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर दोनों का संगम हो रहा है और ये दिखाई देता है कि जिस तरीके से हम लोगों का ईटिंग हैबिट्स इवॉल्व हो रही है, इम्पॉर्टेंट भी है कि ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोड्यूस जो है अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो सके और हर कस्टमर के लिए अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल भी हो। ओडिशा रे प्राय 61.8% लोके कृषि क्षेत्र रे नियोजित अछंती। गत 16 वर्ष मध्यरे राज्य रे कृषि क्षेत्र रे जीडीपी वृद्धि पाई 4.5% होईछि। ओडिशा रे धान, मांडिया, डाली जातीय शस्य, तैल बीज, पनीपरिया, फल, मसला चाष हेउतुआ बळे अनेक लोक गोपालन एवं पशुपालन भळि जीविका को मध्य अपणैछंती। विभिन्न जलवायु भित्तिक परिस्थिति कारणरु जैविक चाष पाई ओडिशार एक बृहत् संभावना मध्य रहिछि। तेबे दीर्घ दिन धरि क्रयकारी एवं विक्रयकारीको पई मार्केटिंग प्रणाली कष्टकर होइतबारु एहाकु ध्यानरे रखि बैक टू भिलेज पक्षरु एही सम्मेलनी आयोजन करा जाइथिला, जेउथरे क्रेता एवं विक्रेता तथा सर्वेक्षणकारी संस्थागुडिक एकत्रित होइ कृषि क्षेत्रे थिबा विभिन्न समस्यार समाधान नै आलोचना करिछन्ति। এটা গোটে ভালো বহুত ভালো ইনিসিয়েটিভ কিনা আমি জাঁয়া দরকার যে অর্গানিক ফার্মিং কোণ, ন্যাচুরাল ফার্মিং কোণ, অ্যান্ড নর্মাল যেটা আমি করুছে কেমিক্যাল দিয়ে সেটা বি কোণ, অ্যান্ড কাহার ফিউচর অছি। আমি যদি দেখুছে সে ন্যাচুরাল ফার্মিং যেটা, সেটা যেটা আগুরু হোথিলা মানে পূর্বপুরুষরু চালিছিল আমার ন্যাচুরাল ফার্মিং, সেটা যদি আমি ইনোভেটিভ ওয়ে করুছে, মেশিনারিজ লগাইকি, টেকনোলোজি লগাইকি, দেন আমি আমার ফিউচারটা বহুত ভালো। তো এই ইনিসিয়েটিভটা ব্যাক টু ভিলেজ যারা আজ নৌ অর্গানাইজ করা যাচ্ছে, বহুত ভালো ইনিসিয়েটিভ, বহুত মানে অল ইন্ডিয়ারু প্যানেলিস্ট আসছন্তি এন্ড চাষী ভাই ভণী মানে আসছন্তি। প্রোডাকশন তো দেশ মে বহুত অচ্ছি তরফ সে হোতা হে, বহুত প্রোডাকশন হে, মার্কেট কহাঁ হে, ইয়ে বহুত বড়া কোশ্চন হে। ইসলিয়ে ইস ওড়িশা অর্গানিক্স প্রোগ্রাম মে बायर सेलर्स मीट रखा है। देश का कोने कोने से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन परचेस करता है, वो लोग इधर प्रेजेंट होके किसान ऑर्गेनाइजेशन से, ट्राइबल फार्मर से डायरेक्टली बात करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। यही सम्मेलन आगामी दिन में ओडिशा और जैविक क्षेत्र में चाषी को लगी कितने लाभवान होउछि देखिबा को अपेक्षा। ভুবনেশ্বরু ভিডিও জর্নালিস্ট রবি নারায়ণ জেনাঙ্ক সহ বিশ্বনাথ বিজয়ী, আর্গাস নিউজ। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।